Hello dear students, welcome to our science class. Today we are going to learn chapter 13, magnets. Previously we have understood that the magnetic materials and its types and about the poles of magnets. Today we are going to understand about earth, which acts as a giant magnet. जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, इसके भी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होते हैं, लेकिन वो कैसे प्रोड्यूस होंगे? जहाँ पे जो साउथ है, यहाँ पे अर्थ का एक्चुअल साउथ, उसको हम जियोग्राफिकल साउथ बोलते हैं, और नॉर्थ होता है उसको जियोग्राफिकल नॉर्थ। जो ये आप एक्सिस देख रहे हो वो उसी के हैं। और सिमिलरली अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू इट्स जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ के ऊपर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड साउथ मैग्नेटिक पोल बनाता है। ओके, सो द डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज यूज टू मेक अ कंपस। सो अभी हमें जो कंपस बनाना होता है तो वो हम किससे बनाते हैं? एक छोटा सा नीडल जो कि मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। ओके, जहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा। सो वो नीडल भी किससे बनी होगी? एक मैग्नेट से। और हमें पता है मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जो ये पूरा अर्थ है, आप अर्थ के कोई भी कंट्री में चले जाओ, आपके पास अगर कंपास होगा तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कंपास में रहा नॉर्थ आपको अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन दिखा देगा। सो दैट इज Why no matter where you place the compass, its needle will always point in the north-south direction. Okay, students? So, हमने कौन कौन से पॉइंट कवर किए? Giant magnet, two magnetic poles, north and south, जो कि अर्थ के हैं, south magnetic pole and north magnetic pole. Okay. और ये दोनों हमारे जियोग्राफिकल अर्थ पोल से नज़दीक हैं, और उसका फ्रीली सस्पेंडेड रखोगे मैग्नेट को, इट विल शो दिस डायरेक्शंस। मैग्नेट इज यूज्ड टू मेक अ कंपास, नीडल इन द कंपास इज लाइक अ मैग्नेट एंड इट विल ऑलवेज शो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ओके, जैसे कि आप एक बड़ा सा मैग्नेट ले लेते हो जहां पे आपको नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पता चलता है, राइट? अगर आप उसके टू पार्ट्स कर दोगे, टू पीसेस कर दोगे, तो वहां पे एक साउथ और एक नॉर्थ नहीं रहेगा, उसमें नए सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ बन जाते हैं, और आप उसके फिर से टुकड़े करोगे, फिर भी वहाँ पे साउथ नहीं रहेगा पोर्शन, तो उसमें भी नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा और ऐसे साउथ क्रिएट हो जाएगा। ये कितनी फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, राइट? मैग्नेट को तोड़ के भी आप उसका एक सिंगल पोल बना नहीं सकते हो, वहाँ पे उसके दो पोल ही आपको मिलेंगे, एक नॉर्थ एक साउथ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कोई भी जगह से मैग्नेट को ब्रेक करोगे, because it produces a magnetic field, right, from north, and it will end to the south. If you break from in between, it will create same magnetic field from its another place. So likewise, when you break magnet from any place, it will show its north and south. Okay, so poles of a permanent magnet cannot be separated just by cutting a magnet into pieces. If a magnet is cut into pieces, each piece becomes a separate permanent magnet and each has north and south pole. No matter how small pieces of magnet become, each piece will have a north and south pole. Okay, students? Next, can a magnet attract a magnetic object without being in contact with it? Kya? कोई भी मैग्नेट को आप कहीं पे रखोगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट किया भी नहीं वो खींच लेता है,
कि यस मान लो कोई आयरन पीस पड़ा है या फिर नेल या फिर क्लिप, आप सिर्फ मैग्नेट को उसके पास ही ले जाओगे तो क्या होगा, इट विल बी स्टक बाय अ मैग्नेट। ओके सो वहां पे वो अपने आप चिपक जाता है, कैसे, बिकॉज अ मैग्नेट डजंट हैव टू बी इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ द मैग्नेटिक मटेरियल टू अट्रैक्ट। द मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। सो ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, कि जहाँ पे फोर्स लगाने के लिए किसी भी टाइप का कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ती नहीं है। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फोर्स रिड्यूस। ओके तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फोर्स कम होता जाएगा, और जितना कम डिस्टेंस रखोगे ऑब्जेक्ट के साथ तो उसका फोर्स उतना इंक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई एक टेबल होता है और टेबल के ऊपर कोई आयरन पड़ा है, नेल या फिर क्लिप, और आप टेबल के नीचे से कुछ मैग्नेट को मूव करोगे, मैग्नेट इधर उधर करोगे, इट विल शो द आयरन पीस ऑल्सो मूव्स अकॉर्डिंग टू मैग्नेट। कितना शानदार है, राइट? अगर आपको मैजिक करना हो तो कर सकते हो। टेम्परेरी मैग्नेट। ओके इफ यू वॉन्ट टू मेक अ मैग्नेट यू कैन मेक टेम्परेरी मैग्नेट। हाउ, लेट्स सी। इफ अ पीस ऑफ आयरन इज ब्रॉट नियर अ परमानेंट मैग्नेट एंड इज अलाउड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ अ मैग्नेट, देन द पीस ऑफ आयरन बिकम्स अ मैग्नेट फॉर सम टाइम, इट बिकम्स टेम्परेरी मैग्नेट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक नेल है, नेल को आप कोई भी परमानेंट मैग्नेट के साथ रब करोगे एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो कोई भी क्लिप या फिर छोटी हल्की आयरन की चीज़ होती है तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। ओके सो व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच इज आयरन कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट, इट इज सेड दैट द आयरन पीस इज मैग्नेटाइज्ड। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ को जो कि अट्रैक्ट करती है मैग्नेट से, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मैग्नेटिक मटेरियल में। ओके तो इसको क्या बोलेंगे, कि आयरन पीस मैग्नेटाइज हो गया।